वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। आज की ये वीडियो फंक्शन से रिलेटेड है, तो आज हम ये सीखेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने के दो तरीके होते हैं फंक्शन को, एक कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। उसके लिए मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसका जब प्रोटोटाइप देते हैं तो उसमें सबसे पहले रिटर्न वैल्यू टाइप आती है, फंक्शन नेम और इनपुट पैरामीटर्स हम पेरेंथेसिस में देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं सम, और ये फंक्शन मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फंक्शन वाली वीडियो में। तो अगर आप फंक्शन से फेमिलर नहीं है तो आप मेरी उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको आज का ये टॉपिक बआसानी समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम सम है और इसमें दो इनपुट वैल्यूज हम देंगे और दोनों की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वॉइड मेन लिखा हमने, और वॉइड मेन के अंदर ये हमने कुछ कोड दिया हुआ है, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20 और जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल्स क्रिएट हो गए और इनिशियलाइज भी हो गए 10 और 20 से, और जेड अनइनिशियलाइज है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखिए हम लिखा है जेड इक्वल टू सम एक्स कॉमा वाई, तो हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो अब यहाँ पे जो हम एक्स वाई आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, एक्स वाई आर्गुमेंट्स को हम सिंपली ये फंक्शन आर्गुमेंट्स भी कहते हैं या फिर हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, फंक्शन के एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाएंगे ये जो हम पेरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। तो फंक्शन आर्गुमेंट भी कहते हैं सिंपली या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे। तो यहाँ देखिए हमने फंक्शन डेफिनेशन का कोड दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले सेम int sum और इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। तो अब ये जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, इनको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। और याद रखें ये जो एक्स वाई है इनका स्कोप मेन है, यानी मेन जो फंक्शन है सिर्फ ये वहीं पर एक्सेसिबल होंगे और ये मेन फंक्शन की मेमोरी में क्रिएट हुए एक्स वाई। जबकि ये जो एक्स वाई हम यहाँ बता रहे हैं इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, ये आपके फंक्शन के वेरिएबल्स कहलाएंगे और उनका स्कोप सिर्फ ये फंक्शन है कि ये वेरिएबल सिर्फ सम फंक्शन में ही एक्सेसिबल है। तो दीज एक्स वाई वेरिएबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर्स, यानी यहाँ पे जो हम एक्चुअल पैरामीटर्स बता रहे हैं एक्स वाई, तो ये यहाँ मौजूद है और ये जो एक्स वाई ये डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और फिर फॉर्मल पैरामीटर का स्कोप क्या है, सम फंक्शन। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा सम एक्स वाई, तो ये एक्चुअल पैरामीटर जो एक्स वाई इनकी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा उसमें कॉपी होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे जो सेकंड वेरिएबल होगा उसमें कॉपी हो जाएगी। तो उसको हमने यहाँ इलस्ट्रेट किया हुआ है, जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो एक्स वेरिएबल यहाँ 10 जो वैल्यू थी कॉपी हो गई एक्स वेरिएबल में, फंक्शन का जो एक्स वेरिएबल है उसमें। इसी तरह वाई वेरिएबल की वैल्यू कॉपी होगी फंक्शन का जो y वेरिएबल है उसमें। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई नाम रखें, आप कोई भी नाम रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उस नाम के वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे लेकिन यहाँ पे इनकी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसमें कॉपी होगी और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू जो आपने फंक्शन में सेकेंड वेरिएबल बताया होगा उसमें कॉपी हो जाएगी। उसके बाद देखिए फंक्शन का जो कोड है उसमें लिखा हुआ है रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो ये जो एक्स और वाई है 10 प्लस 20, इन दोनों को सम किया जाएगा और इन दोनों का सम रिटर्न होगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है वहां पे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म होगी तो आप देखें जेड की वैल्यू क्या होगी 30, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू मिली हमें सम एक्स को मोबाइल से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से वैल्यू में 30 रिटर्न हुई और वो जेड वेरिएबल में स्टोर हो गई। जैसे ही सम फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट करेगा तो सम के लिए जो मेमोरी एलोकेट की गई थी वो तमाम तर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और एक्स वाई वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, प्रिंट एफ सम ऑफ पर्सन डी एंड पर्सन डी इज पर्सन डी एक्स वाई जेड, तो ये जो एक्स है इसकी वैल्यू और इस वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आउटपुट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, आपकी जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी फंक्शंस की उसमें जितने भी हमने फंक्शंस बनाए थे उसमें जितने भी कॉल्स थी फंक्शंस की वो तमाम तक कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म के थ्रू हो रही थी। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जो कन्वेंशनली हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू मेथड होता है। अब आइए इसी फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें कॉल बाय रेफरेंस में तो हम क्या चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने फंक्शन प्रोटोटाइप बताई हुई है, वाइट लिख दिया int की जगह, तो हम इस फंक्शन से कन्वेंशनली कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते बल्कि हम इस फंक्शन में एड्रेसेस पास करेंगे और उन एड्रेसेस के थ्रू डायरेक्टली जो रिजल्ट होगा
वो मेन फंक्शन के वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। तो अब सम फंक्शन का नाम है, उसके बाद जो चेंजेस हमने किए यहाँ पे देखिए आईएनटी के बाद एस्टेरिक लगाया हुआ है। ये एस्टेरिक हम इसलिए लगा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम एज ए फर्स्ट इनपुट पैरामीटर कोई एड्रेस पास करेंगे, सेकेंड इनपुट पैरामीटर के तौर पर भी हम कोई एड्रेस पास करेंगे और थर्ड इनपुट पैरामीटर के तौर पर भी हम कोई एड्रेस पास करेंगे। तो आपको याद होगा जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते थे तब एस्टेरिक यूज करते थे। तो नेक्स्ट अब हमने वॉइड में लिखा, उसके बाद इंटीजर एक्स इक्वल्स 10, वाई इक्वल्स 20 और जेड, तो ये सेम वही कोड है, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20 और जेड अनइनिशियलाइज्ड है। यहाँ पे एक नई चीज जो हम इजाफी शो कर रहे हैं वो क्या एड्रेसेस। तो हम ये पढ़ चुके हैं पॉइंटर्स में कि जब भी कोई मेमोरी वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो एक्स वेरिएबल का एड्रेस 15002 है और इसी तरह से वाई का भी एड्रेस है 24008 और सेट का भी कोई ना कोई एड्रेस है 23024। नेक्स्ट लाइन पे हम फंक्शन कॉल करेंगे सम। तो यहाँ पे देखिए जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कोई जेड वेरिएबल मेंशन नहीं किया लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अब यहाँ पे टाइप लिखी हुई वाइड, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि हम इसमें तीन एड्रेसेस पास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सम के बाद हमने लिखा एड्रेस ऑफ एक्स। आपको याद होगा कि जो एम्परसेंड ऑपरेटर है इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, और जब हम किसी भी वेरिएबल के साथ ये ऑपरेटर लगा दें तो उस वेरिएबल का हमें एड्रेस रिटर्न होता है, यानी एड्रेस मिलता है। तो जब हम लिखते हैं सम और यहाँ पे हमने दिया हुआ एड्रेस ऑफ एक्स को हम एड्रेस ऑफ वाई एड्रेस ऑफ जेड, तो हम तीन इनपुट पैरामीटर्स पास कर रहे हैं फंक्शन में और तीनों जो इनपुट पैरामीटर्स हैं या ये तीनों आर्गुमेंट्स हैं ये एड्रेसेस हैं, यानी एक्स का भी हम एड्रेस पास कर रहे हैं और वाई का भी और जेड का भी। तो एड्रेस ऑफ एक्स पास होके आएगा पॉइंटर वेरिएबल पी वन में। यहाँ पे हमने ये इलस्ट्रेट किया हुआ, यहाँ देखें 15002 आ गया P1 पॉइंटर वेरिएबल में, और उसके बाद एड्रेस ऑफ Y P2 में आएगा और एड्रेस ऑफ Z P3 में। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ Y जो था वो P2 में आ गया और एड्रेस ऑफ Z P3 में आ गया। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि P1 P2 P3 किसको पॉइंट कर रहे हैं, X Y और Z वेरिएबल्स को। तो भाई हम देखते हैं कि फंक्शन की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू एट P1, तो P1 किसको पॉइंट कर रहा है X को, और वहां क्या वैल्यू रखी हुई 10, प्लस कर दो किसके साथ वैल्यू एट पी टू, तो पी टू किसको पॉइंट कर रहा है वाई, और यहाँ पे क्या वैल्यू 20, तो ये 10 प्लस 20 ये दोनों सम हो जाएंगे। उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, पी थ्री, तो पी थ्री किसको पॉइंट कर रहा है जेड लोकेशन को, तो जेड पे रिजल्ट स्टोर हो जाएगा जो कि है 30। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो फंक्शन था उसने डायरेक्टली जो मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस किया और जेड में जो रिजल्ट था उसको स्टोर कर दिया। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन बाय रेफरेंस, या फिर ये हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम पास कर रहे हैं आर्गुमेंट्स वो नॉर्मल आर्गुमेंट्स नहीं है बल्कि एड्रेसेस हैं। तो पास बाय एड्रेस भी कहा जाता है इसे, कॉल बाय रेफरेंस भी कहा जाता है, और पास बाय रेफरेंस भी हम इसी मैकेनिज्म को कहते हैं। अब जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो आप नोट करें कि यहाँ पे ये जो मेमोरी है पॉइंटर्स ने ऑक्यूपाई की हुई है ये रिलीज हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी, तो सेम वही आउटपुट जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था जनरेट हो जाएगा, सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। जो मेन एडवांटेज कॉल बाय रेफरेंस का वो ये है कि नॉर्मली फंक्शन मैक्सिमम वन वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम फंक्शन से एक से ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्टेन करें, तो फिर हम कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक यूज करते हैं, और इस टेक्निक के थ्रू हम मोर देन वन रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अगर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को मॉडिफाई करना चाहें मेन फंक्शन के तो किस तरह से करें। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं स्वैप फंक्शन है, तो हम देखेंगे कि हम स्वैप फंक्शन की मदद से किस तरह से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सचेंज कर लें, यानी एक्स की वैल्यू वाई में आ जाए और वाई की वैल्यू एक्स में आ जाए। यहाँ पर भी देखिए हमने फंक्शन प्रोटोटाइप दिया हुआ है वाइड स्वैप, फंक्शन का नाम स्वैप है, और इंटीजर एस्टेरिक हमने दिया हुआ है क्योंकि इस फंक्शन में भी हम दो एड्रेसेस पास करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इंटीजर एस्टेरिक कॉमन इंटीजर एस्टेरिक दिया हुआ है। इसके बाद वाइड मेन स्टार्ट हो गया कर्ली ब्रैकेट के बाद इंटीजर एक्स इक्वल्स 10 वाई इक्वल्स 20, तो दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए मेमोरी में, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20, और इनके कोई ना कोई मेमोरी एड्रेसेस भी होंगे जो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट हो रहा है बिफोर स्वैप एक्स इक्वल्स 2% एंड वाई इक्वल्स 2%, एक्स वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज आउटपुट के तौर पे शो हो जाएंगी। यहाँ हमने आउटपुट शो किया हुआ है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे बिफोर स्वैप एक्स इक्वल्स 10 एंड वाई इक्वल्स 20, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ प्रिंट हो गई। उसके बाद अब हम फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं, तो जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप
तो यहाँ देखिए हम दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ एक्स कॉम एड्रेस ऑफ वाई, तो इसको हम कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय रेफरेंस, यानी हम एड्रेसेस पास कर रहे हैं फंक्शन में, दो लोकेशन है मेन फंक्शन की x और y इन दोनों के। तो x का एड्रेस आ गया p1 में, तो यहाँ से ये देखें एड्रेस ऑफ x पास होगा और पॉइंटर वेरिएबल p1 में आ जाएगा, और y का एड्रेस आ जाएगा p2 वेरिएबल में। तो यहाँ हमने इलस्ट्रेट किया हुआ है यहाँ पे। अब हम आते हैं फंक्शन बॉडी में कि यहाँ पे हम वैल्यूज कैसे स्वैप करेंगे। तो अगर आप स्वैपिंग के लॉजिक से फेमिलर नहीं है तो पहले मैं तीन वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि अगर हम चाहें तो विद हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल वैल्यू स्वैप कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं टेक्निक यूज करूंगा वो होगी टेम्प वेरिएबल के थ्रू, यानी हम थर्ड वेरिएबल यूज करेंगे और उसके थ्रू हम वैल्यू स्वैप करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लोकल वेरिएबल बना दिया इंटीजर टेम्प, तो ये देखिए फंक्शन के लिए एक इजाफी वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो गया टेम्प। उसके बाद हमने यहाँ लिखा हुआ है टेम्प इक्वल्स टू वैल्यू एट पी वन, तो पी वन किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स लोकेशन को, तो एक्स लोकेशन पे क्या रखा हुआ है टेन, तो टेन किसमें आ जाएंगे टेम्प वेरिएबल में, तो यहाँ पे देखें टेन कॉपी हो गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वैल्यू एट पी टू, तो पी टू किसको पॉइंट कर रहा है वाई को, तो वाई पे क्या वैल्यू है ट्वेंटी, और ये ट्वेंटी कहाँ साइन कर दो पी वन जिसे पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे, तो पी वन किसको पॉइंट कर रहा है एक्स को, तो ये ट्वेंटी कॉपी हो जाएंगे इस एक्स लोकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए ये 20 आ गए और 10 ओवरराइट हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब हम क्या देने जा रहे हैं, उसमें हमने लिखा है कि टेम्प की वैल्यू असाइन कर दो P2 जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पे, तो P2 किसको पॉइंट कर रहा है वाई, और टेम्प में क्या रखा है 10, तो 10 असाइन हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ चुके हैं 10। तो आप देखा वैल्यू स्वैप हो चुकी है, तो एक्स की वैल्यू हो चुकी है 20 और वाई की वैल्यू हो चुकी है 10। तो जैसे ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो हम वापस आएंगे मेन में, और जैसे मेन में आएंगे तो फंक्शन की जो मेमोरी होगी वो डीएलोकेट हो जाएगी। और फंक्शन कॉल के बाद हम यह स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रिंट एफ आफ्टर स्वैप एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी एंड वाई इक्वल्स टू परसेंट डी। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू 20 हो चुकी है, वाई की वैल्यू 10, तो मैसेज आ गया आफ्टर स्वैप एक्स इक्वल्स टू 20 एंड वाई इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से हमने विद हेल्प ऑफ फंक्शन एक्स और वाई की वैल्यूज को एक्सचेंज या स्वैप कर दिया। उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है। कॉल बाय वैल्यू में हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअल जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं फंक्शन के जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनमें, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वहां पे हम एड्रेसेस पास कर रहे होते हैं, यानी वेरिएबल्स के एड्रेसेस पास करते हैं और फंक्शन के जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो पॉइंटर्स होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं उन एड्रेसेस को और उसके बाद डायरेक्टली उन पॉइंटर्स के थ्रू जो मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं हम उन्हें एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें जो भी चेंजेस करना चाहें जैसे हमने इस एग्जांपल में की कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फंक्शन से एक से ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्टेन करने हो या एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करवाना हो तो हम किस तरह से करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और एज यूजुअल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।